रुचिज वर्चुअल कुकबुक में आपका स्वागत है। मंचूरियन के बिना नूडल्स का स्वाद अधूरा है। नूडल्स की रेसिपी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और आज मैं आपको सिखा रही हूँ मशरूम मंचूरियन की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। मशरूम मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मशरूम को अच्छे से वॉश कर लिया है। रनिंग वाटर में इसे अच्छे से धोना है और उसके बाद इसमें अगर कोई और इम्प्योरिटीज़ हो तो उसे हटाने के लिए हम इसे नमक और हल्दी के पानी में बॉईल करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ पानी, तकरीबन 4 कप मैंने पानी लिया है और इसमें मैं आधा टी स्पून हल्दी डाल देती हूँ और आधा टीस्पून नमक। पानी में बॉईल आते ही हम मशरूम इसमें डाल देंगे। हीट ऑफ कर देंगे। 1 मिनट इसमें डूबे रहने देंगे इसे। अब इसे हम छान लेंगे। मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए ये मशरूम इसमें डाल रही हूँ, चॉप्ड मशरूम 1/4 कप, स्प्रिंग अनियन 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 कप, ग्रेटेड पनीर 1 मीडियम साइज का आलू जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 1/2 चम्मच, नमक। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इनके मंचूरियन बॉल बनाएंगे। मंचूरियन बॉल्स फ्राई करने के लिए पहले हम तेल को गरम करेंगे। तेल हमारा तेज गरम होना चाहिए। तेल हमारा गरम हो गया है। ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, उसे हल्का सा अपने मंचूरियन बॉल्स में लगाएंगे और इसे इस तरह से लपेट देंगे हाथों की सहायता से और अपनी कढ़ाई में डाल देंगे। तीन टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ उसमें, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 हरी मिर्च को हमने क्रश कर लिया है,
मीडियम साइज का प्याज बारीक बारीक कट कर लिया हमने। ये मैंने 1 कप स्प्रिंग अनियन लिया है, इसमें से 1/4 कप मैं अभी डालूंगी और बाकी मैं लास्ट में डालूंगी। इसे डाल देती हूँ मैं इसमें। एक छोटा आकार का शिमला मिर्च मैंने काट लिया है, इसमें से थोड़ा सा मैं बचा दूंगी फिर मैं लास्ट में डालूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं 4 टेबलस्पून सोया सॉस। टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, इसमें पानी डालकर मैं इसकी स्लरी बनाऊंगी। कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। 1 कप पानी और डाल दें इसमें। 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1/2 कप पानी डाल दें, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 अनियन थोड़ा सा, कैप्सिकम, 1 मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे अपने। लीजिए, मशरूम मंचूरियन तैयार हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने आज कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपका दिन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी शुभकामना है। इसी तरह की चटपटी रेसिपीज के लिए रुचिज वर्चुअल कुकबुक को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।